सो फाइनली द डे हैज़ कम जिसके लिए हम सभी लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू द ब्रांड न्यू पॉलीगन सिस्क्यू D5 2020 एडिशन, जो कि पॉलीगन के तरफ से उनकी एक फुल सस्पेंशन माउंटेन बाइक है. सो गाइस, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो आप इस बाइक को देख के नोटिस करोगे, दैट इज़ द प्योर कलर एंड इसका जो ज्योमेट्री है वो मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में कि ये बाइक दूर से ही देख के बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है. आई मीन जस्ट लुक एट दिस बाइक. आपको ये बाइक देखते ही पहली नज़र में ये श्योर है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है. अब स्टार्ट करते हैं बाइक के फ्रेम से. तो पॉलीगन सिस्क्यू D5 में जो आपको फ्रेम मिलता है, ये आपको मिलता है ALX ग्रेड एल्यूमिनियम एलॉय का. ये एक फुल सस्पेंशन फ्रेम है एंड ओवरऑल बाइक का जो ज्योमेट्री है वो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड अगर बाइक के फ्रेम के कलर की बात करें तो करंटली मार्केट में जो कलर्स अवेलेबल है उसमें से ये ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में जो है ये मेरे पास अभी है. एंड इसी के साथ साथ एक ब्लू एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में भी ये कलर आपको मिलते हैं मार्केट में. पॉलीगन सिस्क्यू D5 का जो पूरा फ्रेम है ये काफ़ी मॉडर्न ज्योमेट्री के साथ आता है विद 67 डिग्री ऑफ हेड एंगल, जो कि नॉर्मल आपने देखा होगा कि करंटली अभी हमारे इंडिया में जो फुल सस्पेंशन बाइक्स अवेलेबल हैं फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स लाइक बेटवेन या फिर कोई और ब्रांड से, उनके जो हेड ट्यूब्स होते हैं उसका जो हेड एंगल होता है वो अराउंड 69 डिग्री का होता है. बट इसमें जो आपको हेड एंगल मिलता है वो मिलता है 67 डिग्री एंगल का, जिसके वजह से इन फ्यूचर अगर आप इसको अपग्रेड करते हो तो आप अप टू 130 mm का फोक इसमें काफ़ी इजीली लगा सकते हो. एंड 67 डिग्री हेड एंगल मिलने के वजह से ये बाइक का जो ओवरऑल पूरा कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है. ओवरऑल जो पूरा फ्रेम है ये वन लिंकेज सिस्टम के साथ पूरा जुड़ा हुआ है. मीन्स पीछे का जो ट्रायंगल है एंड जो सस्पेंशन है उसके बीच में आपको एक सिंगल पिवट पॉइंट मिलता है, एक सिंगल लिंकेज मिलता है, जिसके वजह से पॉलीगन क्लेम करती है कि इसका जो लैटरल फ्लेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है. एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें हमको मिलता है इंटरनल केबल राउटिंग. जितने सारे केबल्स हैं वो इंटरनली ही इसके अंदर रूटेड हैं, जो कि एक मॉडर्न ज्योमेट्री बाइक में एंड जो मॉडर्न ट्रेल रेडी बाइक्स में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं. उसी के साथ साथ एक चीज़ और इस बाइक की अच्छी है, वो है कि इसका जो सीट पोस्ट है उसमें आप ड्रॉपर सीट पोस्ट को इंटरनली ही रोटेट कर सकते हो. यस, इस फ्रेम में आपको इंटरनल ड्रॉपर पोस्ट लगाने के लिए माउंटिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, जिससे आप सारी वायरिंग को ही इंटरनली रोटेट कर सकते हो, जो कि प्री रोटेड है. ओवरऑल फ्रेम का अनदर प्लस पॉइंट जो है गाइस कि इसका जो पूरा रियर का ट्रायंगल है इसमें आपको मिलता है बूस्ट हब स्पेसिंग विद QR लीवर. बूस्ट जो टेक्नोलॉजी है ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि फुल सस्पेंशन एंड जो लेटेस्ट जितने भी माउंटेन बाइक्स हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. बूस्ट टेक्नोलॉजी होने के वजह से आपका जो हब होता है उसकी जो विद होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जो ओवरऑल बाइक के व्हील सेट के स्टिफनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है. एंड उसी के साथ साथ आपके ओवरऑल फ्रेम के ज्योमेट्री एंड उसके स्टिफनेस को भी काफ़ी इम्प्रूव करती है. फ्रेम के सेंटर का जो शॉक है वो हमको मिलता है SR Suntour के तरफ से, राइड ऑन सीरीज का ये है विद लॉकआउट लीवर. एंड ओवरऑल ट्रैवल की अगर बात करें तो एंटायर रियर ट्रायंगल कैन ट्रैवल अप टू 120 mm. दिस एंटायर बाइक ट्रैवल्स फॉर 120 mm. में NTT स्पोर्ट्स के तरफ से हमको सीट पोस्ट मिलता है विद NTT वॉइड सैडल, काफ़ी कंफर्टेबल सैडल है. अगर बाइक के हेड ट्यूब की बात करें तो पॉलीगन सिस्क्यू D5 का जो पूरा हेड ट्यूब है ये टेपर्ड है. टेपर्ड हेड ट्यूब होने की वजह से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि इन फ्यूचर अगर आप इस बाइक को अपग्रेड करना चाहते हो एक हायर फोक से तो उसको आप बहुत ही इजीली लगा सकते हो, बिकॉज मार्केट में बहुत इजीली टेपर्ड जो फोक्स हैं वो काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं. इसमें आपको मिलता है 44 एंड 56 mm का डायमीटर. इन टर्म्स ऑफ अगर कॉकपिट की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है NTT स्पोर्ट्स के एलॉय का हैंडल बार विथ 780 mm ऑफ विथ. बाइक के हैंडल बार में ही हमको मिलते हैं शिमानो MT201 के ब्रेक लीवर्स, जिसके साथ लगा हुआ है शिमानो एलिवियो का गियर शिफ्टर्स, जो कि हमको मिलता है 2x9 स्पीड में. टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ 18 गियर्स का ये बनाती है. एंड साथ ही साथ हैंडल बार में हमको मिलता है NTT स्पोर्ट्स के रबर ग्रिप्स. फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें हमको मिलता है SR Suntour के तरफ से XCM फोक. ये 120 mm का टोटल ट्रैवल हमको देती है. एंड उसी के साथ सस्पेंशन में हमको मिलता है यहाँ पे एक लॉकआउट लीवर एंड प्रीलोड एडजस्टर, जिसकी हेल्प से आप सस्पेंशन को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो. एंड प्रीलोड की हेल्प से आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सस्पेंशन के स्मूथनेस को भी काफ़ी ज़्यादा
ट्वीक कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ व्हील सेट की अगर बात की जाए गाइस, तो इसमें हमको मिलता है X15 के डबल वॉल्ड एलॉय के व्हील सेट, जो कि पॉलीगन के तरफ से ही है। एंड नॉर्मल व्हील सेट से इनकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ टायर्स की अगर बात करें तो इसमें हमको मिलता है एनटीटी के तरफ से स्पाइडर बेड टायर्स विथ 27.5x2.25 के ये टायर्स हैं। काफ़ी अच्छे ट्रेडेड पैटर्न्स हैं इसमें, बोथ क्रॉस कंट्री एंड ट्रेल्स के लिए ये टायर्स काफ़ी अच्छे लगे मेरे को, एंड काफ़ी ईजिली आपको ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। पॉलीगन सिस्क्यू D5 में आपको जो ड्राइव ट्रेन मिलता है वो मिलता है 2x9 स्पीड का, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ 18 गियर्स का ये बनाती है। रियर में हमको मिलता है शिमानो एलिवियो के 9 स्पीड डेरेलर, जिसके साथ हमको मिलता है 9 स्पीड कैसेट बाय शिमानो। इसमें आपको रेंज मिलती है 11x36 टीथ की। फ्रंट में हमको मिलता है शिमानो के तरफ से क्रैंक सेट विद होलोटेक टेक्नोलॉजी। इन टर्म्स ऑफ अगर क्रैंक सेट के टीथ की बात की जाए तो इसमें हमको मिलता है 36 एंड 22 टीथ के बोथ चेन रिंग्स। फ्रंट का डिरेलर भी हमको शिमानो एलिवियो के तरफ से मिलता है। बाइक में हमको मेटल के पेडल्स प्रोवाइड किए गए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज ये ट्रेल बाइक है, एंड उसमें प्लास्टिक के अगर पेडल्स दिए जाते तो वो थोड़ा सा ऑड लगता। बाइक के जो शिफ्टर्स हैं ये टू वे शिफ्टर्स हैं, मीन्स आप इसको सेम पोजीशन में ही अप एंड सेम पोजीशन में ही आप इसके गियर्स को डाउन कर सकते हो। आप अगर चाहो तो अपने फिंगर का यूज़ करके आप गियर को डाउन कर सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो आप अपने थंब को ही प्रेस करके गियर्स को अप एंड डाउन आप कर सकते हो। बाइक के बॉटम ट्यूब में हमको बॉटल होल्डर्स लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है, जो कि प्रीवियस जनरेशन में यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। इस बाइक में हमको मिलता है शिमानो के तरफ से हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक कैलिपर्स, जो कि MT201 सीरीज़ के हैं, एंड साथ ही साथ इसमें हमको मिलता है शिमानो के तरफ से 160mm का रोटर रियर में। एंड अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हमको मिलता है 180mm का डिस्क ब्रेक रोटर विथ शिमानो MT201 ब्रेक कैलिपर्स। इस बाइक का जो ओवरऑल पूरा वेट है दैट इज़ 14.7 किलोग्राम्स की ये बाइक है, बिकॉज इसका जो रियर ट्राइंगल होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, सो दैट इट कैन अब्सॉर्ब ऑल सॉर्ट ऑफ अब्यूज दैट यू थ्रो एट इट। सो गाइज, डू लेट मी नो ये बाइक का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैं बहुत जल्द इसका एक डिटेल रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, बिकॉज अभी ये बाइक मेरे पास आई है तो इस बाइक का रिव्यू इतनी जल्दी देना इतना ईजी नहीं होगा। सो आई बी टेस्टिंग दिस बाइक फॉर अनदर मंथ, एंड एक महीने बाद मैं इस बाइक का पूरा डिटेल रिव्यू आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊँगा। सो डू लेट मी नो हाउ वाज दिस वीडियो, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड साथ ही बेल बटन प्रेस करके रखना ताकि नेक्स्ट वीक जब मेरी वीडियोस दोबारा आएंगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड इन केस इफ यू वांट टू गेट सम मोर अपडेट्स रिगार्डिंग मी और दिस बाइक, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का हैंडल है @cycleriderroy, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। सो आई सी यू विद अनदर वीडियो गाइस, टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।